शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, नाम से ही कि मेरा फूड चैनल है और जो किचन में मेरे पास अवेलेबल होता है ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट यूज़ करना सिखाती हूँ और नई से नई रेसिपी आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। और चलिए देखते हैं किचन में आज हम क्या बनाते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। आज मैंने यहाँ पर लिया है टिक्की बनाने के लिए आलू, और ये मैश कर लिए मैंने बॉईल करके। और आलू हमें बिल्कुल ठंडा लेना है, इसको गरम नहीं लेना। गरम आलू में कभी भी टिक्की ना बनाइए, पहले पूरा ठंडा कर लीजिए उसके बाद टिक्की बनाइए। और यहाँ मैंने लिया है ग्रीन चिली है, छोटी छोटी चॉप कर लिए। और ये अदरक का है, और ये धनिया पुदीना और प्याज काटी है। अगर प्याज नहीं खाते हैं तो आप मत डालिएगा। और ये थोड़ा ओट्स मैंने भिगो दिया है, भीगा हुआ ओट्स हमें डालना है इसके अंदर, तो ये हम ओट्स ऐड कर लेंगे इसमें। और ये ड्राई लिया है मैंने ओट्स, ये हम साथ में यूज़ करेंगे अभी बनाने के टाइम पर। और ये अब बिल्कुल ठंडे आलू हैं, ये सब कुछ हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद मैंने इसे यहाँ पर लिया है, ये कच्ची मूंगफली का दाना है, इसको हम कूट करके डालेंगे इसी में, थोड़ा दलदला कर लेते हैं उसके बाद हम डाल देंगे। ये मैंने इसको अधकूटा कर लिया है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी बिल्कुल जब ठंडा आलू है इस पर आपका ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने जो इंग्रेडिएंट है वो डाल दिए हैं। अब मेन इंग्रेडिएंट है इसमें सॉल्ट, सॉल्ट हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे। सॉल्ट मैंने ऐड कर लिया है, बाकी चीज़ें जो आप खाना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, स्पाइसी करना है स्पाइसी, नहीं तो हम जो ग्रीन चटनी है उसमें हींग जीरा अदरक सारे मिर्च मसाले चटपटी बनाते हैं, तो एक चीज़ कम चटपटी होनी चाहिए, एक चीज़ ज़्यादा चटपटी होनी चाहिए, तो वो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला है, और थोड़ा सा यहाँ पर ये क्यूमिन सीड डालेंगे। क्यूमिन सीड भी हमारे पेट के लिए बहुत लाभदायक होता है, बहुत फ़ायदा करता है, डाइजेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, तो क्यूमिन सीड का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और दूसरा हम यहाँ पर हींग डालेंगे, थोड़ा सा हींग मेरी चटनी में भी डली हुई है, और थोड़ा सा हींग में इसमें से भी डालूंगी, थोड़ा सा हींग इसमें से भी डाल लेंगे। और बाकी मिर्च मसाले इसमें थोड़ा थोड़ा हम ऐड करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले हम नहीं डालेंगे। थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर, बस ये मसाले हम ऐड करेंगे। और इसमें अगर हमारे पास ग्रीन चटनी नहीं है तो हम इसमें चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्रीन चटनी है तो हमारे चाट मसाले हम अपने टेस्ट के ऊपर है, यूज़ भी कीजिए नहीं भी यूज़ कीजिए, तो चाट मसाला आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। चलिए आके अब गैस का काम करते हैं, इसको हम सबको मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से बाइंडिंग कर लेंगे इसकी। यहाँ थोड़ा सा मैं चने का आटा यूज़ कर रही हूँ, चने के आटे का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा मैं यहाँ पर चाट मसाला डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए, चाट मसाला ऐड कर दिया है। अब इसका हम एक अच्छा सा डो बना लेते हैं मसल करके, बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है, बस इसको ऐसे करना है, ज़्यादा मसलने से भी टिक्की का जो पेस्ट है वो पतला हो जाएगा। अब ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब हमने इसको टिक्की की शेप दे दी है, शेप आप जो मर्जी देना चाहे। अब क्या करेंगे हम, ये जो ओट्स लिया है इसमें हम इसको ऐसे रैप कर देंगे।
अच्छे से इसको कोट कर देंगे और इनको ऐसे बना करके रखते जाएंगे। इस तरीके से हम सारी टिक्कियाँ रेडी कर लेंगे। फिर से मैंने पैन ले लिया है और इसमें मैं डालडा घी डाल दूंगी। मैं डालडा घी यूज करती हूँ और ये मैंने टिक्कियाँ रेडी कर लिया और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया इन्होंने, ताकि जो मॉइस्चर है वो इसमें अच्छे से सोक कर लें। अब हम इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और शैलो फ्राई करना है, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। जब एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तभी पलटना है इनको, कच्चा नहीं पलटना है। कच्चा पलटेंगे तो टूट जाएगी और टूट करके इसके अंदर घी भर जाएगा। जब ये सेट हो जाएगी एक तरफ से, फिर हम दूसरी तरफ पलटेंगे इसको। और इतने मैं इनको कोट करके रख लेती हूँ, इससे हमारी टाइम की बचत हो जाएगी। इस तरीके से हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक बना लेंगे और दोनों साइड से अच्छे से पलट लेंगे। इनको एक साइड से तब ही पलटना है जबकि ये सेट हो जाए, बिना सेट हुए पलटेंगे तो टूट जाएगी। और ये देखिए, इसमें घी बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बहुत कम घी में ये बन जाता है। इसी तरीके से हम इन सारी टिक्कियों को सेक लेंगे और दोनों साइड से बहुत अच्छी सिकती हैं, ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। आइए बाकी सारी टिक्कियाँ बना लेते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। अब ऐसे ही हम ये चार टिक्की और सेक लेते हैं। ये सारी टिक्की में हमारा एक कटोरी इसमें ओट्स लग गया है और एक कटोरी भीगा हुआ, दो कटोरी टोटल ओट्स लग गया। ऐसे ही इनको हम बना लेते हैं और फिर सर्व करके खाते हैं। और एक बार ज़रूर बनाइएगा ये टिक्की, हेल्दी भी है। चने का आटा भी हेल्दी होता है, ओट्स भी हेल्दी है। और ज़रूरी नहीं है कि मैदा हो, कॉर्नफ्लोर ना हो तो हमारी टिक्की नहीं बनेगी। तो हमारे घर में जो अवेलेबल है मैं वही यूज़ करके बताती हूँ किचन में। तो जो किचन में अवेलेबल है उसी का बेस्ट यूज़ कीजिए और एंजॉय कीजिए।